फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल निन्नी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों आज मैं हैंड ग्लव्स बताने वाली हूँ आपको, बहुत ही खूबसूरत, जो आपको ठंड से, अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं तो आपको टू व्हीलर चलाने में आपको ठंड में बहुत मदद करेगा, ठंड से आपको बचाएगा और बहुत आसान है। चलिए हैंड ग्लव्स बनाते हैं आज हम। 36 फंदे इसमें हमने डाले हैं और 16 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनी हैं बॉर्डर, और एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी बुन करके हम डिज़ाइन डाल रहे हैं ताकि डिज़ाइन उभर करके आ जाए। तो देखिए ये हमारा डिज़ाइन, दो उल्टे एक सीधा, सीधे को दो बार बुनना है, सामने से बुनना है और पीछे से बुनना है। इस डिज़ाइन का लिंक मैं आपको शेयर करूँगी। तो देखिए दो उल्टा एक सीधा, सीधे को आगे से बुना, फिर बैक साइड से भी बुना। दो सिलाइयों का डिज़ाइन है ये, फर्स्ट रो है, सेकंड रो, और बस दो सिलाइयों का डिज़ाइन। अब सेकंड सिलाई में देखिए, जहां हमने एक का दो किया था वहां दो का एक करा, जहां दो उल्टे बनाए थे वहां दो सीधे, ये देखिए दो का एक किया और ऊन को पीछे करके हमने दो सीधे बुने, फिर दो का एक किया, ऊन पीछे करी और दो सीधे बुन लिए, फिर ऊन आगे करी, दो का एक करा उल्टा बुन करके, फिर दो सीधे बुने हमने। ये सेकंड रो है हमारी, ये देखिए, और फर्स्ट रो में हमने करा उसके, ये सेकंड रो। थर्ड रो में पूरी सिलाई सीधी बुननी है ये, और थर्ड रो पूरी सीधी, फोर्थ रो पूरी उल्टी, फिर उसके बाद हमारा डिज़ाइन चालू हो जाएगा। ये देखिए डॉट्स डॉट्स कितना खूबसूरत हो रहा है हमारा डिज़ाइन। ये देखिए अब हम घटाई कर रहे हैं अंगूठे के लिए, तीन फंदे हमने घटाए हैं, दो बुन करके ओवरलैप करके दो का एक कर दिया, फिर हमने एक बुना। इस तरीके से हमने इस साइड से तीन फंदे हमने घटाए हैं। अब हम उस एंड पे पहुंच जाएंगे डिज़ाइन बनाते हुए। ये हमारी सेकंड रो बुन रहे हैं हम, जिसमें ये देखिए अब हम इस साइड में भी इन तीन फंदों को देखिए, दो फंदे बुने ओवरलैप करके एक करा, ये देखिए हमने तीन फंदे यहाँ पर भी घटाए। ये हमारे अंगूठे के लिए स्पेस बना रहे हैं हम। फिर हम डिज़ाइन एज इट इज़ बनाएंगे। डिज़ाइन हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूंगी मैं, और मैंने अभी भी आपको डिटेल में ये डिज़ाइन बता दिया। बहुत इजी है, दो लाइनों का है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो और फोर्थ रो। देखिए हमने ये कंप्लीट कर दिया है, ये देखिए ये इसमें हमने बॉर्डर भी बना लिया है। सेकंड वाले में हम अभी घटाई डाल रहे हैं हैंड ग्लव्स में, और घटाई के बाद जो हमारी उंगलियों तक के लिए, अंगूठे से लेके उंगलियों के बीच का डिज़ाइन अपने हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए उस एक हमने कंप्लीट कर लिया हैंड ग्लव्स का हमने, और अब हमारा सेकंड हैंड ग्लव्स है। अब हम देखिए दोनों हैंड ग्लव्स कंप्लीट करके हम उसको क्लोज कर रहे हैं, दोनों को हमने इक्वल इक्वल बनाया, उसके बाद अब हम क्लोज कर रहे हैं। ये देखिए एक बुना, फिर पीछे का आगे ओवरलैप करके उसमें, ये देखिए कितनी खूबसूरत लाइन आ रही है। एक बनाया, दो हो गया तो दो का एक कर दिया, ओवरलैप कर दिया, ओवरलैप करके उसी में से निकाल दिया। ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको हम, ये देखिए हमने बॉर्डर बना लिया है उल्टा उल्टा, अब हम इसे भी क्लोज करेंगे, फिर स्टिचिंग करेंगे। देखिए हमारा ये क्लोज हो रहा है, एक बुना जैसी दो हुए, पीछे वाले को ऊपर से फंदा निकाल दिया। ये मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है क्लोज कैसे करें। ये देखिए हमने इसको भी क्लोज कर दिया। अब इसका नेक्स्ट हमारा जो होगा उसे हम स्टिचिंग करेंगे, और बहुत आसान है। ये देखिए पूरा क्लोज कर दिया, ये लास्ट में हमने उसमें से निकाल दिया। ये अब हमारे दोनों, कितना खूबसूरत लग रहा डॉट्स डॉट्स डिज़ाइन। ये देखिए अब हम स्टिच करेंगे, स्टिच सिर्फ पंजे वाला हिस्सा करेंगे अंगूठे तक। ये देखिए बस यहाँ से, सिर्फ जहाँ से घटाई जहाँ तक डाली है वहाँ तक, ये दो ढाई इंच सिर्फ इतना ही स्टिच करेंगे। देखिए बाकी को हम स्टिच नहीं करेंगे, ये डबल कर रही हूँ स्टिच ताकि मजबूती आ जाए। ये हमने स्टिच कर दिया, बाकी छोड़ दिया। दूसरी तरफ भी हमने सिर्फ ढाई इंच तीन इंच उतना ही घटाई तक का। अब जहाँ हमने अंगूठे की घटाई करी थी वहाँ फंदे उठाएंगे ताकि वहाँ भी एक बॉर्डर
बना सकें। जैसे हमने उल्टा उल्टा बॉर्डर ऊपर तीन लाइन बनाई है, इसी तरीके से यहाँ फंदे हमने उठा लिए हैं। अब क्रोशिए से ऊन को उसके अंदर डाल के ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये ऊन अंदर निकाल के गठान बांध देंगे ताकि बॉर्डर बना सकें। ये हमने 18 फंदे यहाँ पर, जो अंगूठे का बॉर्डर है वहाँ 18 फंदे हम डाले हैं, जिसको उल्टा बिन करके देखिए हम कंप्लीट कर रहे हैं। और बॉर्डर भी हमारा उल्टा उल्टा है, हमने 6 रोज का बॉर्डर है हमारा, उल्टी उल्टी 6 बनाएंगे हम, और हमारा ये बॉर्डर अंगूठे का भी कंप्लीट हो जाएगा। 18 फंदे हैं यहाँ पर, स्टार्टिंग जो हमारा है कलाई वाला उसमें 36 फंदे डाले थे हमने, ये अंगूठे की घटाई करी थी, तो यहाँ हमारे 18 फंदे हमने उठाए हैं। 3 रोज़ बनाते ही इसको भी क्लोज़ कर देंगे, और उसके बाद ये देखिए हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया अंगूठे का बॉर्डर। अब इसको क्लोज़ कर रहे हैं हम, एक फंदा बुना पीछे के फंदे को आगे से करके, ये देखिए हमने क्लोज़ कर दिया अंगूठे का बॉर्डर। कितना खूबसूरत लग रहा है देखिए। अब हमें इसको स्टिच करना है रॉन्ग साइड से, ये रॉन्ग साइड से हम स्टिच कर रहे हैं, और हमारा ये देखिए एज ए स्टिच फंदा है, उसी को दोनों फंदों को लेते हैं और स्टिच कर देते हैं। अब हमारा दूसरा हैंड ग्लव्स, उसके भी अंगूठे वाले हिस्से को देखिए, हमने फंदे उठा लिए 18 फंदे, हमारा ये वाला हैंड ग्लव कंप्लीट हो गया। अब इसका बॉर्डर हम बनाएंगे, ये देखिए क्रोशिए से हमने ऊन निकाली और उसको गठान बांध दी, और हमने उसके अब इसकी भी हम 6 रोज़ उल्टा ही उल्टा उल्टा बुन के एक बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए 18 फंदे हैं हमारे, और बिगनर्स भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है ये, और डिज़ाइन का इतना खूबसूरत है, डॉट्स डॉट्स डॉट्स, ये बॉर्डर देखिए हमारा 6 रोज़ बनाएंगे, हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा, अंगूठे में भी 6 रोज़, और जो ऊपर है हमारा उंगलियों के पास जो बॉर्डर बनाया है वो भी 6 रोज़ है, लेकिन कलाई में जो बॉर्डर बनाया है वो 16 रोज़ का है, हमने 16 सिलाइयाँ डाली है, कलाई में हमें थोड़ा चौड़ा चाहिए था। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर कंप्लीट हो गया, उसको क्लोज़ कर दिया। अब हम स्टिच कर रहे हैं रॉन्ग साइड से, ये देखिए हमारा दूसरा हैंड ग्लव्स भी हमारा कंप्लीट होने को है, हमारा फाइनल लुक आएगा उसके बाद। ये देखिए बहुत आसान है, आप भी बना सकते हैं, बहुत ही ईजी और आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, बहुत ही आसान। देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ये देखिए हमारा सेकंड भी कंप्लीट है। अब हम ये 5 फंदे उठाए हैं जो हमारा रिस्ट के पास है, ताकि एडजस्ट कर सकें हम गठा, इसको इतना लंबा बनाएंगे कि हम बटन होल लगाएंगे, ताकि हम अपनी कलाई में इसको टाइट करके बांध सके, अगर हमें ये ढीला हो रहा है तो उसको हम टाइट कर सकें। यहीं से हमने देखिए बॉर्डर पे से ही 5 फंदे उठाए हैं, उल्टा उल्टा करके हम उसको 4-4.5 इंच बनाएंगे, ताकि हमें उसे पूरा का पूरा घुमा करके बटन और बटन होल बनाएंगे। इसमें आप देखिएगा वूलन में बिना कुछ कट किए हम किस तरीके से बटन होल बनाते हैं, बटन वूलन क्लोथ्स में बटन होल कैसे बनाएं इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी आपको, मैंने प्रीवियस वीडियो में बटन होल कैसे बनाएं का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, और इसमें भी आपको बनाना बताऊंगी। इस वीडियो में भी आपको अभी बताते हैं कि कैसे, ये देखिए हमारी बटन पट्टी तैयार हो गई है, और दूसरे की हमने 5 फंदे उठा लिए हैं, उसकी बटन पट्टी भी हमें तैयार करनी है, उसके बाद आपको काज बटन होल कैसे लगाना है वो बता करके बटन लगा देंगे, ताकि ये कलाई में एडजस्ट कर सकती है आपको, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको बटन लगा सकते हैं। ये देखिए हम बटन होल कर रहे हैं, देखिए उसको हमने क्रोशिए से थोड़ा लूज़ कर दिया है, जो ऊन है हमारी उसको लूज़ कर दिया है, अब हम उसको ऊन से उसको इस तरीके से बना रहे हैं कि वो होल हो जाए हमारा उसका बटन होल। देखिएगा आप बहुत ही, देखिए बटन होल हमारा बहुत खूबसूरत, ये देखिए बटन होल तैयार, अब हम बटन लगा देंगे, और ताकि हम उसको कलाई के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें। ये हमने बटन और बटन होल बनाना आपको बता दिया, इसका लिंक भी शेयर करूंगी मैं
आपको, और इस डिज़ाइन का डॉट्स डॉट्स का भी लिंक शेयर करूंगी इसके साथ आपको। ये देखिए हमारा तैयार, बहुत खूबसूरत। आप अपनी कलाई के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा, देखिए हमारा हैंड ग्लव्स तैयार है, आप भी बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर हैंड ग्लव्स हमारे, देखिए हमने इसमें बटन लगाया है। ये कलाई पे आपका आएगा तो ये स्ट्रिप है, आप उसको बांध करके एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इसमें हमने काज बनाया है, और प्रीवियस वीडियो में काज कैसे बनाएं वूलन क्लॉथ से वो मैंने दे रखा है, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी। ये इस तरीके से आप इसको लगा के अपनी कलाई के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ये देखिए इसमें भी हमने ये लगा रखी है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसको मैं पहन के दिखाती हूँ आपको दोस्तों, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए अब इसको इस तरीके से आप अपनी कलाई के अकॉर्डिंगली इसको बांध सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत दोस्तों। और बिगनर्स भी बना सकते हैं, इसमें डॉट्स डॉट्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये जो डिज़ाइन डॉट्स 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 है वो इसकी सुंदरता को बहुत बढ़ा रहे हैं। टू व्हीलर में आप ड्राइविंग करने में आप बहुत ठंड से बचेंगे, बहुत ही खूबसूरत है। और इससे आप यहाँ आप बांध सक इसको, ये देखिए आप इसको लगा कर यहाँ टाइट, ये रिस्ट में टाइट कर सकते हैं आप, बहुत ही आपके लिए कंफर्ट रहेगा। टू व्हीलर में गाड़ी चलाना और बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही अच्छा, बिगनर्स भी बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपके पास लेकर आऊँगी, आती ही रहूँगी। थैंक यू।